हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो अभी कुछ टाइम पहले ही KTM ड्यूक 125 का 2021 मॉडल लॉन्च हुआ था, जिसमें आपको नए डिजाइन का आपको हेडलैम्प देखने को मिल रहा है और इस ड्यूक में कुछ नए चेंजेस भी किए गए हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था क्या क्या चेंजेस हुए थे, आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद काफी सारे लोगों ने डिमांड भी किया है कि इसका कंपैरिजन MT15 से किया जाए। तो आज इस वीडियो में आपको KTM ड्यूक 125 2021 मॉडल और यामा MT15 BSS के बीच में आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा कि इन दोनों बाइक्स में आपको क्या क्या अंतर देखने को मिल जाता है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाते हैं और इन दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन दोनों बाइक्स के बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हालांकि ये दोनों बाइक्स अलग अलग सेगमेंट के आती हैं, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में इन दोनों का टक्कर है। तो चलिए अब डिटेल बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर ऑप्शन की। तो KTM ड्यूक में आपको अब टोटल दो कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और सेरेमिक व्हाइट शामिल है। तो यामा 15 में आपको तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मेटेलिक ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और आइस फ्लू बर्मिलियन शामिल है। लेकिन कंपनी MT15 में आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देती है, यानी कि आप अलग अलग कलर के इसके कलर डिजाइन को आप चूज कर सकते हैं, इसके व्हील के कलर को अलग अलग चूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़े से अलग से चार्जेस लगेंगे, जिसमें आपको काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड तौर पे आपको केवल MT15 में तीन ही कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वही बात कर लेते हैं इसके डिजाइनिंग की। तो यहाँ पे KTM ड्यूक की डिजाइनिंग इसके पिछले मॉडल से थोड़ा सा बदल दिया गया है। इसमें आपको शार्प डिजाइन का हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि इसका जो हेडलैम्प का डिजाइन है KTM 1290 से लिया गया है। इसमें शार्प टैंक डिजाइन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको दो लेयर की सीट मिल जाती है, पीछे काफी अच्छा ग्रैब रेल दे दिया गया है। इसके अलावा इसके जो फ्रेम है वो ऑरेंज कलर की रखी गई है और इसके अलॉय व्हील्स को आप देख सकते हैं, पहले आपको ऑरेंज कलर का मिलता था लेकिन अब इसमें ब्लैक कलर का अलॉय व्हील्स दे दिया गया है। तो कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं इसके डिजाइनिंग में भी। तो वही MT15 के डिजाइनिंग की बात करें तो ये इसके हेडलैम्प से इसे काफी लोग पसंद करते हैं। इसके हेडलैम्प डिजाइन को आप देख ही सकते हैं, काफी अग्रेसिव देखने में लगता है। इसके अलावा इसमें आपको काफी स्टाइलिश टैंक मिल जाता है, जहाँ पे काफी अच्छी ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे MT15 के लोगो मिल जाता है। इसके अलावा नीचे इंजन काउल दिया गया है और इसमें आपको थोड़ी सी छोटी सीट मिल जाती है KTM ड्यूक के मुकाबले में, तो ये थोड़ी सी कमी यहाँ पे MT15 में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें ग्रैब रेल काफी अच्छा दिया गया है, दोनों साइड आपको काफी अच्छे ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको अलग अलग कलर की अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है और पीछे जो टेल लैम्प है वो भी काफी स्टाइलिश दिया गया है। हालांकि टेल लैम्प आपको KTM ड्यूक में भी काफी स्टाइलिश अब मिल रहा है। तो ये कुछ डिजाइनिंग आपको इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इन दोनों की जो हैंडलिंग है वो भी काफी अग्रेसिव है, तो इन दोनों में से जिसका भी डिजाइनिंग आपको ज्यादा अच्छा लगा उसे आप ले सकते हैं। इन दोनों में से किसकी डिजाइनिंग आपको ज्यादा पसंद है इस समय आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की। तो KTM ड्यूक 125 में 124.7 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOSC फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो ये MT15 में 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक SOSC 4-बॉल फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही अलग अलग सेगमेंट की बाइक है, ये आपको पता ही है। तो है KTM ड्यूक का ये इंजन 9250 RPM पर 14.5 PS का पावर, जबकि 8000 RPM पर 12 NM का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये MT15 का ये इंजन 10000 RPM पर 18.5 PS का पावर, जबकि 8500 RPM पर 13.9 NM का टॉर्क जनरेट करता है। तो इन दोनों के आप पावर फिगर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। इनके पावर में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस मिल जाता है, लेकिन वही टॉर्क में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है यामा MT15 आपको थोड़ी सी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की मिल रही है, इसलिए इसमें आपको पावर भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए तो ऐसे में आप MT15 को ले सकते हैं। तो इन दोनों बाइक्स में आपको 6 स्पीड तक गियरबॉक्स मिल जाता है। तो इन दोनों में केवल इलेक्ट्रिक स्टार्टर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं KTM 125 सेगमेंट होने के बावजूद भी इसमें 6 स्पीड तक गियरबॉक्स दिया जा रहा है। यही कुछ चीजें हैं जो कि KTM का जो प्राइस है काफी ज्यादा चला जाता है, आगे आपको प्राइस भी पता चल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। तो KTM 125 के फ्रंट में ट्रिपल रेटेड स्प्रिंग इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोर्क, तो इसके रियर में डबल रेट मोनोशॉक 10 स्टेप एडजस्टेबल स्लॉट के साथ मिल जाता है। तो ये MT15 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया गया है। तो दोनों ही बाइक में आपको काफी अच्छी सीटिंग पोजीशन मिल जाती है, दोनों ही में ही आपको काफी कंफर्टेबल राइड भी मिल जाता है। हालांकि MT15 में पिलियन राइडर के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों के टायर और ब्रेक्स की। तो KTM 125 के फ्रंट में 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 150/60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। तो यामा MT15 के फ्रंट में 100/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 140/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है।
तो यहाँ पे थोड़े से चौड़े टायर आपको KTM ड्यूक में देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो KTM 125 ड्यूक के फ्रंट में 300mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। तो वही MT15 के फ्रंट में 282mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में KTM 125 ड्यूक आगे है। तो यहाँ की बात कर लेते हैं इन दोनों के फीचर्स की। तो KTM 125 ड्यूक में बॉस का सिंगल चैनल का ABS लगा हुआ है। तो वहीं MT15 में भी सिंगल चैनल का ABS मिल जाता है। KTM 125 के हेडलैम्प में हैलोजन बल्ब के साथ LED DRS दे दिया गया है। हालांकि LED DRS पहले देखने को नहीं मिलता था। यामा MT15 में आपको LED हेडलैम्प के साथ LED पोजीशन लैंप भी मिल जाता है। KTM 125 में LCD इंस्ट्रूमेंटल कंसोल दिया गया है, जो कि इसका डिस्प्ले ऑरेंज कलर में आपको देखने को मिल जाती है, जहां पे गियर पोजीशन, ट्रिप स्पीड, क्लॉक, फ्यूल, ऑडोमीटर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके साइड पर मोड और सेट का आपको बटन मिल जाते हैं। इसके अलावा साइड और ऊपर में कुछ इंडिकेटर लाइट्स भी दिए गए हैं, जिसमें इंजन मालफंक्शन लाइट, ABS लाइट, न्यूट्रल लाइट, टर्न इंडिकेटर लाइट ऐसे कुछ इंडिकेटर लाइट्स दिए गए हैं। तो ये हमारा MT15 में भी आपको मल्टी फंक्शन नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जहां पर आपको स्पीड, टैकोमीटर, गियर पोजीशन, फ्यूल, गियर शिफ्ट इंडिकेटर ये सारी आपको यहां पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा साइड स्टैंड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है और कुछ इंडिकेटर लाइट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, न्यूट्रल लाइट, टर्न इंडिकेटर लाइट ऐसे कुछ यहाँ पे इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। यामा MT15 में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है, यानी अगर आपका साइड स्टैंड लगा होगा तो ऐसे में आपका इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यामा MT15 में VVA यानी कि वेरिएबल वैल्यू एक्चुएशन आपको मिल जाता है, जो कि कम RPM पर ज्यादा अच्छी टॉर्क जनरेट करता है। तो ये आपको MT15 में थोड़ी सी ज्यादा फीचर्स मिल जाती हैं। इसके अलावा KTM 125 में आपको फाइबर का नीचे इंजन काउल मिल जाता है और इंजन काउल आपको MT15 में देखने को मिल जाती है। KTM 125 में आपको 2 लेयर की स्प्लिट सीट मिल जाती है और पीछे ग्रैब रेल भी दिया गया है। तो यहाँ MT15 में यूनिवर्सल सीट मिल जाती है, जो कि यहाँ पे स्प्लिट नहीं है, थोड़ी सी छोटी सीट मिल जाती है, जहाँ पे पीछे ग्रैब रेल काफी अच्छी दी गई है। इसके अलावा यहाँ MT15 में असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी दे दिया गया है। तो ये दोनों का कुछ फीचर्स था। तो इन दोनों के फीचर्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा आपको फीचर्स MT15 में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइस की। तो KTM 125 ड्यूक 2021 मॉडल का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,51,507 रुपीज, यानी कि 1,51,507 रुपए तक है। तो इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो दिल्ली में प्रॉक्स आपको 1,71,300 रुपीज, यानी कि 1,71,300 रुपए के आसपास मिल सकती है। और अभी इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन वहीं इस बाइक को कुछ टाइम पहले अगर आप लेते तो थोड़ी सी सस्ती आपको मिल जाती। यामा MT15 BSS का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके डार्क मेट ब्लू और मेटेलिक ब्लैक कलर का 1,39,900 रुपीज, यानी कि 1,39,900 रुपए तक है। तो इसका एस ब्लू वर्बिलियन का एक्सरूम प्राइस 1,40,900 रुपीज, यानी कि 1,40,900 रुपए तक है। अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो इसके डार्क मेट ब्लू और मेटेलिक ब्लैक कलर 1,64,200 रुपीज, यानी कि 1,64,200 रुपए तक मिल सकती है। तो इसका आइस ब्लू वर्बिलियन कलर का ऑनरोड अप्रॉक्स दिल्ली प्राइस 1,65,300 रुपीज, यानी कि 1,65,300 रुपए तक है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स का जो भी मैंने एक्सरूम या फिर ऑनरोड प्राइस बताया, मैंने दिल्ली का बताया। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या फिर कम भी हो। यहाँ पे इन दोनों का प्राइस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 155cc सेगमेंट में MT15 आपको 125 ड्यूक से काफी सस्ती मिल जा रही है। आप यहाँ पे एक बार जरूर सोचेंगे कि 125cc के साथ इतनी महंगी बाइक क्यों ले, तो ऐसे में आपके पसंद के ऊपर है। हालांकि KTM 125 ड्यूक केवल 125cc इंजन के साथ आती है, लेकिन इसमें फीचर्स आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं, पावर काफी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है। तो इन दोनों में से जो भी आपके बजट के अंदर आ रहा हो उसको आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहा हो उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ की बात कर लेते हैं दोनों के डायमेंशंस की। तो KTM 125 ड्यूक का लेंथ 1993mm, V789mm, हाइट 1083mm, ग्राउंड क्लियरेंस 175mm, सीट हाइट 822mm अप्रॉक्स है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.5 लीटर और इसका कर्व वेट 159kg है। तो यामा MT15 का लेंथ 2020mm विथ 800mm, हाइट 1070mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170mm, सीट हाइट 810mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर और इसका कर्व वेट 138kg है। तो यहाँ पे इन दोनों में थोड़ी सी अच्छी आपको ग्राउंड क्लियरेंस ड्यूक में देखने को मिल जाती है, सीट हाइट थोड़ी सी कम आपको MT15 मिल जाती है। तो इन दोनों में से थोड़ी सी हल्की आपको MT15 मिल जाती है। तो अगर आप ज्यादा भारी बाइक्स को नहीं चला पाते हैं तो ऐसे में आप MT15 को आप ले सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज और टॉप स्पीड की। लेकिन माइलेज टॉप स्पीड बताने से पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं जो भी माइलेज टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो KTM ड्यूक आपको 45-48 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगी, तो यामा 15 आपको 45 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है। तो बात करते हैं दोनों के टॉप स्पीड की। तो KTM ड्यूक का जो टॉप स्पीड है 120 kmps तक है,
लेकिन वही हम MT-15 के टॉप स्पीड की बात करें तो 130 kmps तक इसकी टॉप स्पीड है, लेकिन काफी सारे लोगों को मैंने कमेंट पढ़ा है और काफी सारे लोगों ने ऐसा बताया कि वो 135 kmps तक स्पीड में भी चला चुके हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बाइक्स को ज्यादा स्पीड में ना चलाएं अगर आपके पास कोई भी सेफ्टी अगर नहीं है तो, क्योंकि अगर आप 130 kmps तक ज्यादा स्पीड में ले जाएंगे तो ऐसे में आप अपना बैलेंस खो सकते हैं। तो आप सेफ्टी के साथ ही टॉप स्पीड भी चेक करिए, और टॉप स्पीड अगर आप चेक भी करते हैं तो आप खुले सड़कों पर करें, जहां पे ज्यादा लोग आते जाते हैं वहां पे आप टॉप स्पीड ना चेक करें, ऐसे में दूसरे लोगों के भी जान की खतरा हो सकती है। तो यहां पे इस वीडियो में इन दोनों बाइक से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, जो आपके बजट के अंदर आ रही हो या फिर जो आपको पसंद आ रही हो उसको आप ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन दोनों के अगर फायदे नुकसान की बात करें तो KTM ड्यूक में आपको 6 स्पीड तक गियर बॉक्स मिल जाता है, लेकिन इसकी प्राइस काफी ज्यादा है। तो ये MT-15 की अगर बात करें तो ये आपको थोड़ी सी कम प्राइस में मिल जाती है, लेकिन जो इसकी सीट है वो थोड़ी सी छोटी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों बाइक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।